assalamualaikum students i hope you all are fine today we will start the next work of lesson number 15. so let's take out lesson number 15 uh, exercise and you have to take out page number 74. so first of all what you have to do write down date 21 1 2021 classwork and thursday so students uh, let's start this page this is the exercise of the lesson 15 today we will do the question 1 on this page 74 circle the things which are designed to make sounds now here are some things made for you what you have to do here you have to uh, circle the things that are make, made to make sounds जो आवाज़ बनाने के लिए बनी हुई है फॉर एग्जाम्पल जिनसे आवाज आपको फील होती है ठीक सो द फर्स्ट वन पहली है टेलीविजन अब आपको टेलीविजन जब आप ऑन करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है सो so, ये आपकी आवाज़ बनाने वाली चीज़ है तो यू विल सर्कल द टेलीविजन या आप ये पूरा टेलीविजन भी सर्कल कर सकते हैं विद द नेम द नेक्स्ट वन सेकेंड वॉशिंग मशीन आप वॉशिंग मशीन को देखें अब वॉशिंग मशीन जब बोलती है ठीक है एक राउंड लेने के बाद वॉशिंग मशीन की आवाज़ आती है तो आप ये भी आवाज़ बनाई गई है आवाज़ देने के लिए ठीक है ये भी ऐसे तरीके से बनाई गई कि इसके अंदर से आवाज़ आती है नेक्स्ट इज़ लैम्प अब लैम्प की आवाज़ नहीं आती लैम्प जो है उस को लाइट ऑन करने के लिए सिर्फ यूज़ किया जाता है तो इसको आप सर्कल नहीं करेंगे कैमरा ठीक है <coughs> कैमरा में से भी आपकी आवाज़ आती है कैसे कि आप लोग जब कैमरा की पिक्चर लेते हो तो उसमें से पिक्चर लेने की आवाज़ क्लिक होती है ठीक अब इसको भी सर्कल कर सकते हैं इसको भी सर्कल कर लें देन दिस इज़ ट्रम्पेट ठीक है ट्रम्पेट होता है बजाने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है एक बाजे की तरह होता है तो इसमें आवाज़ बनती है इसको भी आप सर्कल करेंगे नेक्स्ट मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन जब रिंग टॉन उसकी बचती है तो उसमें से आवाज़ आती है या आप किसी और से बात करते हैं तो इसमें से भी आवाज़ आती है तो इसको आप सर्कल करेंगे स्टीरियो ये क्या है इसको आपने सर्कल करना है क्योंकि जब आप सॉन्ग सॉन्ग करते हैं म्यूज़िक प्ले करते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है ठीक है <coughs> तो आप इसको भी सर्कल करेंगे लास्ट वन इज़ चेयर चेयर में से कोई आवाज़ नहीं आती ठीक है ना ये यूज़ की जाती है आवाज़ के लिए तो इसे सर्कल नहीं करना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू राइट एल फॉर द थिंग्स दैट प्रोड्यूस लो साउंड अब लो एल से बन रहे तो एल लिखना है उन चीज़ों के लिए जो लो साउंड प्रोड्यूस करती है एंड एच फॉर द थिंग्स दैट प्रोड्यूस हाई साउंड जो जँची आवाज़ प्रोड्यूस करती है बनाती है या ऊँची आवाज़ जिनमें से निकलती है तो उसके लिए एच लिखना है आपने फर्स्ट इज़ फ्लूट ये आपकी बांसुरी है ठीक है इसमें आप अब इसकी आवाज़ ऊंची होती है ठीक है अब यहाँ अगर बजा रहे हैं तो ये दूर भी कई लोगों को सुनाई देती है सो यू विल राइट एच इन द बॉक्स इट मेक्स हाई साउंड नेक्स्ट इज डॉग बाक्स जब जो डॉग होता है कुत्ता ठीक है वो अगर ऊंचा ऊंचा भोंक रहा है क्योंकि कभी डॉग जो है वो ऐसा बार्क नहीं करता ठीक है तो वो हमेशा ऊंचा ही भोंकता है तो आप इसके लिए भी एच लिखेंगे इट प्रोड्यूसेस हाई साउंड ड्रम बीच जब आप ढोल बजाते हैं तो उसकी आवाज़ भी ऊँची होती है सो इट प्रोड्यूसिस हाई साउंड नेक्स्ट इज़ क्लॉक क्लॉक टिक्स ठीक है अब क्लॉक टिक्स आहिस्ता आहिस् घड़ी की आवाज़ आती है टिक 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 मैं तो ऊँचा थोड़ा सा बोल रही लेकिन इसकी और आहिस्त होती है ठीक है तो इट प्रोड्यूसिस लो साउंड सो यू विल राइट एल इन द बॉक्स नेक्स्ट स्पून स्ट्राइकिंग ग्लास अब चम्मच आप ऐसे ऐसे जैसे टच करें तो आपकी आवाज़ जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी वो आहिस्ता प्रोड्यूस होगी सो so इट मेक्स लो साउंड अगर ग्लास में ज़ोर ज़ोर से मारेंगे तो कांच के ग्लास से तो वो टूट सकता है तो स्मूथ इतनी ज़ोर से मारी नहीं जाती नॉर्मल सिंपल तरीके से ऐसे ऐसे स्ट्राइक करेंगे तो लो साउंड प्रोड्यूस होगी टेलीफोन रिंग्स जब फोन की घंटी बजती है तो वो ऊँची बजती है ताकि पूरे घर में कहीं भी आप होते हैं तो आपको फ़ील हो के फ़ोन बज रहा है तो आप उसे रिसीव करें सो दिस टेलीफोन रिंग्स अगेन इट प्रोड्यूस हाई साउंड

बिफोर गोइंग आउट थिंक वॉट यू विलयर आपने सोचना है कि आप क्या क्या सुनेंगे लेट सपोज अगर मैं कर रही हूँ तो मैं क्या क्या थिंक आई विलयर साउंड ऑफ अ खैड जो मेरे माइंड में चीजें आ रही है साउंड ऑफ अ बर्ड एंड एरोप्लेन अखार ठीक है बस बी यूएस अ बस एंड अ डॉग अब मेरे माइंड में जो जो चीज़ें आई मैंने वो लिखी ठीक है अब ये वो साउंड्स हैं जो आप जाने से पहले सोचेंगे कि आपने सुनी और फिर जब जाने के बाद जो आवाज़ें आपको सुनाई गई वो आपने लिखनी है क्लोज़ योर आइज़ एंड लिसन केयरफुली वॉट साउंडस डिड यो हेयर फिर जब आप वॉक पे जाएं तो आंखें बंद करके अपने गौर से सुने रिकॉर्ड विद ड्राॅइंग वर्ड्स और बोथ द साउंडस यू हर्ड ठीक है आपने अपने माइंड में आप रिकॉर्ड तो आप नहीं करेंगे लेकिन आप क्या करेंगे आपने ध्यान से सुना है आप किस किस की चीज़ आपको बाहर आवाज़ आती है और आप उसका नेम नोट कर लें माइंड में या पेज पर नोट कर लें फिर आपने वो लिखना है साउंड आई हर्ड आर ट्रक्स हॉर्न बाहर ट्रक गुजरता है डॉग्स पार्क कुत्ते के भोंकने की आवाज़ कैट्स म्याऊ बिल्ली के म्याऊ करने की आवाज़ ह्यूमन साउंड ठीक है जैसे लोग बातें करते हैं रिक्शा साउंड रिक्शा चल रहा होता है उसकी बर्ड्स जर्प अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो वहाँ चिड़ियों भी बोलती हैं ठीक है ठीके? परिंदों के बोलने की आवाज़ और भी बहुत सारी आपको जो आवाज़ सुनाई देंगी आप वो लिखेंगी मैंने जस्ट से आपको एग्जाम्पल दी है बट यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ आप पहले खुद सोचें कि कौन सी आप सुन सकते हैं और रियल में आपने जो सुनी है वो आपने यहाँ लिखनी है ठीक है सो दिस पार्ट यू विल डू बाई योर सेल्फ द नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन अल्लाह हाफिज़